सब्सक्राइब कीजिए शिवानी की रसोई चैनल को और बेल आइकन को दबाइए न्यू रेसिपी सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शिवानी। स्वागत है आपका शिवानी की रसोई में। आज मैं बनाने जा रही हूँ सूप मैगी। मैगी और सूप अक्सर आप लोग अलग अलग बनाकर खाते होंगे और पीते होंगे, पर आज मैं इस दोनों को मिक्स करके बनाऊंगी और ये यकीन मानिए खाने में बहुत टेस्टी लगेगा। तो आप लोग एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। तो चलिए आज की इस सूप मैगी रेसिपी को शुरू करते हैं। सूप मैगी बनाने के लिए सबसे पहले हम एक गैस पे पैन चढ़ा देंगे और उसमें एक ग्लास पानी गर्म होने के लिए डाल देंगे। तो हम इसको अच्छे से गर्म कर लेंगे और हम यहाँ पे लिए हैं 2 पैकेट मैगी, 5-5 रुपए वाला ये मैगी है और 10 रुपए वाला एक हॉट एंड सावर का चाइनीज सूप। तो ये दोनों हम लिए हैं। ये देखिए पानी भी अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें सूप पाउडर डालेंगे। सूप पाउडर को हम अच्छे से कर देंगे मिक्स ताकि इसमें एक भी लम्स ना पड़े। अगर आप ठंडा पानी में इसको डाल देंगे तो इसमें लम्स पड़ जाएगा, तो ध्यान रखें अच्छे से पानी को गर्म कर ले तब इसमें सूप डालें। और सूप को डाल के हम इसको अच्छे से 1 मिनट तक पकाएंगे। बस 1 मिनट ही पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना है। तो 1 मिनट हम इसको पकने देते हैं। 1 मिनट हो चुका है, अब हम इसमें मैगी डालेंगे। तो मैगी को हम तोड़ के इसमें डाल दिए हैं और इसको अच्छे से कर देंगे मिक्स। और उसके बाद हम इसमें मैगी मसाला डालेंगे। तो ये रहा पहला मैगी मसाला का पैकेट, इसमें डाल दिए हैं। और उसके बाद हम दूसरा भी डाल देंगे इसमें। 2 मैगी लिए तो 2 मैगी मसाला भी रहेगा, हम दोनों डाल दिए हैं। और दोनों डाल के अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे हमको बस 2 ही मिनट पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना क्योंकि मैगी पकने में बस 2 मिनट लगता है। तो मैगी डाल के हम इसको मिक्स करके 2 मिनट बस पकाएंगे। देखिए 2 मिनट हो चुका है और मैगी सूप हमारा बनके तैयार है। ये एकदम चाइनीज स्टाइल बना है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगेगा। तो ये देखिए अब हम इसको गैस को कर देते हैं ऑफ, इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं, गैस को कर देते हैं ऑफ और इसको सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं। ये देखिए दोस्तों सूप मैगी बनके तैयार है। ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है, झटपट बन भी जाता है और एकदम चाइनीज स्टाइल लगेगा खाने में। तो आप लोग एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो मैं नेक्स्ट वीडियो फिर से लाऊंगी, तब तक के लिए बाय।